पीछे से लोग रोए, जैसे हमारे बाबा रामदेव थे, वो दो तरह के अर्थ है, दोनों अर्थ है इसमें, खोटे करके जाओ रोता है अरे बड़े पैसा खाए और मजाक सती नहीं मुंह से हां और मेरा पैसा खाओड़े बैठे हूं नहीं और बिन रोते रहे, तो इसका दूसरा भाव है ऐसे काम करके जाओ ये पीछे वाले सब तेरा रुपया जिंदगी भर याद रखूंगा। तो ऐसा काम करके जाओ कि जब जाए तो पीछे वाले से भाई बाबा रामदेव जी थे गुणीचा वाले, तो उनके काम इतने अच्छे थे, लोगों का इतना भला किया कि जब वो गए तो लाखों की संख्या में उनके पीछे लोग रोते हुए गए। बीकानेर में भी ऐसे लोग थे पुराने जमाने में, अब तो सब चोर ही चोर है। जग हसे हम रोए ऐसी करनी कर चलो हम हसे जग रोए चतरिया चतरिया जीनी रे तो हम सभी लेते हैं, आजकल शिक्षा अंग्रेजी माध्यम स्कूल में ले रहे हैं, अच्छी बात है, हालांकि वो अलग बात है कि बात में क्या पढ़ रहे हैं, माँ बाप से लड़ाई करनी है, कुछ का कुछ करना उल्टा सीधा ये सब सीख रहे हैं,
मैं गुरुजी ने भी कह रहा है सारे स्कूल में गाना तो इसी काटे जिक्की वाले स्कूल में काटता कई मतलब है कि इस तरह मैं कह रहा कहीं नहीं चलन दो चलन दो। तो शिक्षा के बाद शिक्षा का मतलब है जीवन यापन की कला सीखना कैसे जीना है कैसे कमाना है क्यों कि साधन और साध्य दो चीजें हैं। साध्य का मतलब जो हमें प्राप्त करना वो ईश्वर है और साधन उस छत तक पहुंचने का भगवतिया। तो साधन साध्य कभी नहीं हो सकता। हम बहुत बढ़िया भगवतिया बना लें लेकिन मंजिल तक नहीं पहुंचे तो क्या फायदा। सोने के भगवतिया हम चढ़ गए कहीं को नहीं मिलो आगे भगवान है क्यों नहीं। तो साध्य है भगवान। उस साध्य को प्राप्त करने के लिए पहली प्रारंभिक शिक्षा सांसारिक जीवन जीने की और दूसरी दीक्षा दीक्षा गुरु यानी कि जो ईश्वर तक पहुंचाएगा। क्यों कि मृत्यु के बाद ना तो फिर कंगूरे रहेंगे ना बिल्डिंग रहेगी ना पद रहेगी। कितने बड़े बड़े आए आज दुनिया को जीतने वाला सिकंदर है कोई उसकी बता नहीं सकता कि उसकी मजार कहाँ पे है। छोटे मोटे पीर जी की मजार आपको मिल जाएगी कहीं ये काम करके गए थे इनकी मजार है लेकिन सिकंदर की मजार नहीं है। और दुनिया में कितने ग्रह हैं किस किस की मजार ढूंढोगे कितना ही बड़ा बन जाओ सब व्यर्थ है। इसलिए दीक्षा गुरु ये बताता है कि असली जीवन का साध्य उद्देश्य केवल एक ही है और वो है परमात्मा की प्राप्ति अनुभूति। प्राप्ति तो नहीं हो सकती जब अनुभूति होती है वो प्राप्ति हो जाती है। और ये भगवान ने जो ऐसी लीला बनाई है कि भगवान की अनुभूति ये जो इंद्रिय है आँख नाक कान त्वचा और ये जो इनसे हम इसका वर्णन नहीं कर सकते क्यों कि वो बहुआयाम नहीं है वो इनसे परे की चीज है माथे में समझ में नहीं आएगा भगवान। तो बात यहीं पे चल रही थी जब मोरी चादर बन घर आ।